हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी हैं दो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बजट फ्रेंडली कम्यूटर बाइक। तो अगर मतलब जो भी बंदा बाइक सिर्फ इसलिए यूज़ करता है कि उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, घर के सारे काम निपटाने हैं, ऑफिस के लिए सेल्स करनी है, तो वो इन दो बाइकों को ही कंसीडर करता है। यही दो बाइक सबसे ज़्यादा बिकती हैं। तो पहले आपके हीरो कंपनी की स्प्लेंडर प्लस, जो कि कई सालों से टॉप सेलिंग बाइक बनी हुई है, पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है स्प्लेंडर आपकी। तो हीरो स्प्लेंडर प्लस खड़ी है, जो कि आपकी एक्सटेक एडिशन के साथ आती है। मतलब इसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा जो आपका मीटर कंसोल है इसका, ये आप देख पा रहे हो, पूरा का पूरा डिजिटल मीटर कंट्रोल है। और ये आपकी ऑन रोड जो है, ये आपकी 92-93,000 के आसपास आती है। तो 1 लाख के अंदर ही आपकी आ रही है, 92-93,000 में आपको पड़ जाती है। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, काफ़ी बैलेंस्ड बाइक है। आपका 8.02 PS की पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो बहुत, जैसा मैं बोल रहा था, काफ़ी बैलेंस बाइक है और रिसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। बगल में आपकी खड़ी है बजाज की न्यूली लॉन्च प्लेटिना 110 का ABS मॉडल। तो सेफ्टी को अगर आप अहमियत देते हो तो भाई इस बाइक से अच्छी कोई बाइक नहीं है कंप्यूटर सेगमेंट में। 110cc की बाइक में आपको मिलता है ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, बहुत रिलायबल बाइक है। माइलेज का क्या ही बताऊँ, प्लेटिना का दूसरा नाम ही माइलेज है आपका, बहुत अच्छा माइलेज देती है। और स्प्लेंडर से आपकी ये पड़ती है 4,000 रुपये सस्ती, यानी 88,000 के आसपास ऑन रोड आपको ये मिल जाती है। पावर में स्प्लेंडर से ज़्यादा है, ये 8.61 PS की पावर जनरेट करती है और 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो मैं चलाने जा रहा हूँ हीरो की एक्सटेक, और भाई चलाने वाला है आपका स्प्लेंडर, सॉरी भाई चलाने वाला है आपका प्लेटिना, और मैं चलाने वाला हूँ हीरो की स्प्लेंडर। तो देख लेते हैं एक बार कि परफॉर्मेंस रोड पे कैसा दे रही है दोनों बाइक। पहला गियर लगा चुके हैं और भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है दोनों का, बैक टू बैक चल रही है। थोड़ा सा प्लेटिना ने लीड ली है, थोड़ी देर के लिए लीड ली है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे प्लेटिना है आगे, और अब देखते हैं कि स्प्लेंडर पीछे कर पाती है कि नहीं कर पाती है। प्लेटिना में एक ज़्यादा बेनिफिट यह है कि उसमें 5 गियर हैं, हीरो में 4 गियर हैं, पर हीरो का इंजन प्लेटिना से ज़्यादा रिफाइंड है, स्पेशली स्प्लेंडर का। बाकी बाइक्स का मैं नहीं बोल सकता, बाकी मामले में बजाज के इंजन काफ़ी रिफाइंड है, लेकिन हीरो स्प्लेंडर का इंजन आपका बहुत ही रिफाइंड। ओ भाई स्प्लेंडर भी बगल में चल रही है, अब देखते हैं क्या सीन निकल के आता है। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है अभी तो, इसका हाई गियर उड़नछु गियर, बाकी उड़नछु लगा दे, उड़नछु लो लगा दिया है। अब बहुत ही रिलायबल है, इसीलिए तो भाई सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बनी हुई है, आज से नहीं कई सालों से इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बनी हुई है। और आप देखो मेरा वेट अविनाश के वेट से एटलीस्ट 15 kg ज़्यादा है, मतलब 15 kg का डिफरेंस है, उसके बाद भी ये बाइक अभी तक लीड बनाए रखी है। और आप देखो अविनाश बगल में आ गए हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। हमें लग रहा है कि धीरे धीरे आगे निकल रही है प्लेटिना, अगर हम बात करें तो अभी धीरे 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 आगे निकल रही है। हाँ धीरे 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 कवर कर रही है, और स्प्लेंडर को हमें लग रहा है धीरे धीरे कवर कर चुकी है, मतलब लगभग बराबर रेस चल रही है। थोड़ा और लीन होता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बगल बगल में चल रहे हैं और देखिए फिर से आगे निकल गई, तो थोड़ा जो स्लिप स्ट्रीमिंग करके उन्होंने लीड बनाई थी उसको इस बाइक ने आगे निकल गई है। तो इस रेस को मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रोक दूँ। स्प्लेंडर थोड़ी सी आगे है और इस रेस को यहीं पे एंड करेंगे, और अभी हम सेकंड रेस करेंगे जिसमें हम राइडर चेंज करने वाले हैं। तो क्योंकि जो विनर है ये आपकी हीरो है, और जाहिर सी बात है अगर मेरे वेट के साथ ये जीत रही है बाइक, तो भाई अविनाश के वेट के साथ तो ये हवा हो जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार राइडर चेंज करके कि क्या डिफरेंस आया है। तो अभी तक तो भाई ये बाइक आपकी विनर रही है,
और अब मैं चलाऊंगा प्लेटिना और देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे चले। हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत छोटा है, खत्म है सामने, हो जाएगा। चलो तो चलो भाई देख लेते हैं। भाई इसमें एक फायदा है कि गियर आपको दिख रहे हैं, और देखिए जैसा मैंने बताया था कि मेरे वेट के साथ अगर वो आगे निकल गई है तो भाई। और अभी मैं एस्टक लेके निकल चुका हूँ इनिशियल में, और ये चूतिया देखो पतंग उड़ा रहा है भाई, क्या बेवकूफ आदमी हो यार तुम, एक्सप्रेस वे पे पतंग उड़ा रहे हो, मतलब गले में किसी के धागा लग गया तो। अविनाश के वेट के साथ तो हवा होनी थी, और देखिए भागे जा रही है बाइक आगे, तीसरा चौथा गियर लगा दिया मैंने और पांचवा गियर, पांच गियर है प्लेटिना में। उसके बाद भी अगर मैं बताऊं तो हीरो जो है आपकी स्प्लेंडर प्लस वो ज़्यादा रिलायबल है। बेचारे का तो गला कट जाएगा यार, बाहुबली वाला सीन हो जाएगा, फिर पता लगेगा कि गला धड़ से अलग हो गया। ऐसे ऐसे भी चूतिए होते हैं। और यहाँ पे गाड़ी 92, अभी मैं थोड़ा और लीन होऊंगा 94, और ज़्यादा स्मूथ इंजन है उसका यार, मतलब देखो थोड़ा वेट का डिफरेंस है यार। एक तो प्लेटिना जो है वो स्प्लेंडर से भारी है, आपकी स्प्लेंडर 112 केजी की है, प्लेटिना 119 केजी के ऊपर से मेरा वेट भी ज़्यादा है, लेकिन भाई ब्रेकिंग बहुत कमाल की है इसकी, नो मैच, स्प्लेंडर की ब्रेकिंग बहुत बेकार है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। प्लेटिना की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। जानते हो अगर किसी को रीसेल ना करनी हो बाइक, हाँ, और रेस ना लगानी हो, हाँ, तो भाई प्लेटिना की ब्रेकिंग इतनी अच्छी है, इतनी रिलायबल है भाई, मज़ा आ जा रही है ब्रेक लगाने पे उसमें भाई रेस के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता ब्रेक लगाने में, लगती नहीं है ब्रेक उसमें, नहीं लगती। अब क्या पता इसी गाड़ी में नहीं लग रही है किसमें, नहीं स्प्लेंडर में आपके ड्रम ब्रेक है भाई, देखो 60-40 पे तो ठीक है, अगर आप 100 पे जा रहे हो तो आप ब्रेक लगाओगे तो गिरना तय है आपका, रोक नहीं पाओगे। ABS यहाँ पे आपका निखर के आता है सामने। तो ये थी आपकी ड्रैग रेस, और भाई दोनों ही बाइकें बहुत अच्छी हैं, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको एक ज़्यादा रिलायबल बाइक चाहिए कि एक ज़्यादा सेफ बाइक चाहिए। तो ये था आपका कंक्लूजन, इसी के साथ ये ड्रैग रेस में एंड करता हूँ। दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।